हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि सब अच्छे हो। तो शाम होते ही बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो मेरी बेटी यहाँ पे बोल रही है कि मुझे नूडल्स खाना है। तो हम बोले हैं ठीक है, नूडल्स बनाते हैं। तो मेरे पास बची हुई आटा थी जो मैंने रखा हुआ था, तो उसका रोटी बना लिया है। नमक डाल के हल्का सा गूंथ के उसका रोटी बना लिया है। यहाँ पे मैंने पानी डाला है, उबाल आने पर उसमें तेल डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और उसे अच्छे से बॉयल करेंगे। रोटी को अच्छे से दोनों तरफ से पलट के बॉयल मैंने यहाँ पे कर लिया है। दो रोटी लिया था, उसे पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे, बहुत ही पतला काटेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला है, यहाँ और लहसुन कटी हुई, मिर्च कटी हुई डाला है, प्याज डाला है, गाजर और शिमला मिर्च, टमाटर, सभी को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बच्चों को नूडल्स, जब भी पूछो बच्चों क्या खाना है, तो बच्चों के मुंह से हमेशा निकलता है कि नूडल्स खाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक डाल दिया ताकि सब्जियाँ जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और यहाँ पे देखिए मैंने पतला पतला स्लाइस में कट कर लिया है। बहुत ही यमी बना था और बच्चों को बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और हल्दी डाल दिया है, और जो मैंने रोटी का कट के तैयार किया है नूडल्स, उसको ऐड करके स्पून की सहायता से हेल्प से अच्छे से, यहाँ पे मैंने मैगी मसाला यूज करा। आप जो भी मसाला यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप लंच बॉक्स में, टिफ़िन में, सब में दे सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बाहर की नूडल से अच्छा है घर पे कुछ बना कर खिलाया जाए बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए लगभग मेरा तैयार हो गया है, बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मम्मा लेके आएगी। तो मेरे बेटी और बेटे दोनों को बहुत पसंद आया, तो ये एक बार ज़रूर आप सब भी ट्राई कीजिए अपने बच्चों के लिए। और प्लीज़ रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बेटी को बहुत पसंद है यहाँ।